हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के दैनिक समाचार में। मेरा नाम है भीमा चित्रा और पहली खबर ये रही आपके स्क्रीन पर। गोरखपुर में अनुसूचित जाति के सम्मेलन में योगी जी ने किया एक बड़ा ऐलान, दिसंबर तक 125 करोड़ गरीबों को भूमि का पट्टा मिलेगा। अब यहाँ पर ये खबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि अगर आप एक गरीब हैं तो आपको भूमि का पट्टा कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होंगी, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है। तो गोरखपुर के वरिष्ठ संवाददाता की रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिसंबर तक प्रदेश के 125 करोड़ परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने की बात की जा रही है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में अब तक 75 लाख अनुसूचित और गरीब परिवारों को जमीन पर कब्जा दिया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार और उससे जुड़े जो भी लोग हैं 15 नवंबर को जनजाति दिवस मनाए जाने पर ऐलान किया और साथ में ऐसी अपडेट दी, तो ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए जानते हैं इसमें क्या होने वाला है, क्या प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री जी शुक्रवार को गोरखपुर में चंपा देवी पार्क में गोरख क्षेत्र के एक अनुसूचित वर्ग का महासम्मेलन किए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस मौके पर कहा कि 271 करोड़ का जो विकास परियोजना है उसका लोकार्पण किया जाएगा और शिलान्यास भी किया उन्होंने। योगी जी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 26 नवंबर को भारत के संविधान लिखने का काम पूरा किया था। केंद्र सरकार ने उनके प्रति कृतज्ञ और जाहिर करते हुए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया और प्रारंभ में अंबेडकर के पंच तीर्थों को प्रेरणा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। सरकार बिना भेदभाव के अनुसूचित जाति के हर गरीब को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है, जबकि 2014 के पहले सरकारें जातिवाद मजहब के नाम पर लोगों को डराती थी या फिर कह सकते हैं मुंह देखकर काम करती थी, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है। हालांकि इन सब बातों को लेकर आपकी क्या राय है, क्या ये बातें सही हैं, आप अपनी विचारधारा व्यक्त कर सकते हैं। बात यहाँ पर है 271 करोड़ की परियोजना की और साथ में अगर जो भी गरीब हैं, अगर वो वाकई में गरीब हैं, जो लेखपाल हैं वो रिपोर्ट लगाते हैं तो उनको भूमि पट्टा करने का अवसर मिल सकता है। इसकी जानकारी आप अपने नज़दीकी लेखपाल से ले सकते हैं। अगर आप उसके योग्य हैं तो आपका इसका लाभ हो सकता है।